नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर गुप्ता, आपका अपने YouTube चैनल धांसू फंडा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। 26 फरवरी 2019 को पुलवामा पर आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर 340 आतंकियों को 72 हुरों के पास जहन्नुम ट्रांसफर कर दिया था। मिराज 2000 के स्क्वाडन ने इसराइल के स्पाइस 2000 बंकर बस्टर बमों से ऐसी सटीक बमबारी की थी कि आतंकवादी शिविर को ज़्यादा नुकसान पहुँचाए बिना, यानी कि बिना किसी कोलेटरल डैमेज के अपना मकसद हासिल कर लिया। शिविर के अंदर सारे आतंकवादी मारे गए। सैटेलाइट के इमेज में शिविर के बिल्डिंग के छत पर बमों से बने छोटे छोटे छेद नजर आ रहे थे। दरअसल आधुनिकतम तकनीकी से बने ये बम बिल्डिंग के छत को छेद कर बिल्डिंग के अंदर फटने के लिए डिजाइन किए गए थे। यह बम बिल्डिंग के अंदर फटकर वहां की सारी ऑक्सीजन सोख लेती है, यहां तक कि वहां मौजूद लोगों के फेफड़ों से भी ऑक्सीजन सक कर देती है। इसके शिकार लोग कुछ ही सेकंड में दम घुटकर मर जाते हैं, लेकिन इस विस्फोट से आसपास के स्ट्रक्चर को कोई खास नुकसान नहीं होता है। इस बमबारी के दौरान एक बम अपने लक्ष्य से भटककर आसपास की पहाड़ियों पर जा गिरा, जिससे कुछ पेड़ भी उखड़ गए। बमबारी होने के कुछ घंटों तक तो पाकिस्तान बिल्कुल ही सुन्न पड़ गया था। अपनी सीमा के 80 किलोमीटर अंदर हुए इस हमले को वो भारतीय एयरफोर्स का हमला समझकर अपने F-16 विमानों को इधर उधर उड़ाने लगा। बाद में भारतीय सरकार द्वारा जारी सैटेलाइट इमेज को देखकर उसे ऐसा लगा मानो भारतीय बम फुस हो गए हों, जो कि बिल्डिंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए और निशाना भटक कर पेड़ों पर जा गिरे। यह दूर दराज का इलाका था और पाकिस्तानी सेना भी घटनास्थल तक जल्दी नहीं पहुंच पाई थी। पाकिस्तानी सरकार ने जल्दबाजी में विदेशी मीडिया को घटनास्थल तक ले जाने की घोषणा कर दी। इसी बीच पाकिस्तानी सेना शिविर के अंदर पहुंची। शिविर के अंदर के दृश्य देखकर उसके होश फाकता हो गया। सारे आतंकवादी मृत थे। यह आतंकवादी शिविर एक पहाड़ी की चोटी पर था। चोटी के नीचे सारी विदेशी मीडिया जमा हो गई थी, लेकिन विदेशी मीडिया को ऊपर आने नहीं दिया गया। नीचे से ही बिल्डिंग को दिखाकर और गिरे हुए पेड़ों को दिखाकर मीडिया को रुखसत कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना का झूठा प्रचार विभाग ISPR का मुखिया आसिफ गफूर और इसके पेरोल पे पलने वाले पाकिस्तानी मीडिया के पत्रकारों ने भारतीय दावों को झूठा बताना शुरू कर दिया। लेकिन बड़ी बेशर्मी से वे इस बात को टाल गए कि न्योता देने के बाद भी विदेशी मीडिया को वो शिविर के बिल्डिंग के अंदर क्यों नहीं लेके गए। कई वीडियो में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी मारे गए आतंकियों के परिवार वालों को सांत्वना देते हुए देखे जा सकते हैं। पाकिस्तानी सेना इस बात से सकते में थी कि पूरी की पूरी रडार प्रणाली को चकमा देते हुए भारतीय एयरफोर्स 80 किलोमीटर अंदर घुसकर वापस कैसे चली गई। पाकिस्तानी सेना के बड़बोले दावों और अच्छा तैयारियों की पोल खुल चुकी थी। वो सेना जो कि देश के पूरे बजट का 25% चूस रही थी, उसके लिए अपने ही देश की जनता को जवाब देना मुश्किल हो रहा था। अपनी मोटी खाल बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने घटना के दूसरे दिन यानी 27 फरवरी को भारतीय सीमा में बिना घुसे अपने विमानों से बम गिराए और भाग लिए। इन विमानों का पीछा कर एक F-16 को मार गिराने के दौरान वीर अभिनंदन का MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसकी भी एक पूरी दास्तान है। इसमें पाकिस्तान ने हैरतअंगेज तरीके से झूठ बोलने का रिकॉर्ड कायम किया है। इसका जिक्र हम अगली वीडियो में करेंगे। भारतीय एयर स्ट्राइक के 40वें दिन मृत आतंकियों की इद्दत पूरी होने के बाद विदेशी मीडिया को आतंकी शिविर का दौरा कराया गया। वहां सब कुछ नया था। यह एक तालीमी मदरसा था, लेकिन सारे बच्चों की छुट्टी कर दी गई थी। कुछ बच्चे कुरान पढ़ रहे थे। पाकिस्तानी सेना और सरकार ने पूरे घटना की लीपापोती इतने भोंडे तरीके से की कि वह पूरी दुनिया में नंगा हो गया। बात बात पर परमाणु शक्ति संपन्न होने का छाती पीटने वाले इस देश की औकात पूरे विश्व में जगजाहिर हो गई। अब तक के कमजोर भारतीय सरकारों के आगे सीनाजोरी करने वाले इस देश को मोदी सरकार के धोबी पाट से जिन्ना की रूह भी काम गई होगी। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।